हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। और आज है हमारा दुबई में डे वन, और अभी हम आज का हमारा प्लान है फिलहाल तो डेजर्ट सफारी करने का। मैं फिलहाल आपको दिखा देती हूँ हमारे रूम से व्यू। मैं हो चुकी हूँ रेडी, कृतेश गए हैं नीचे रेडी होके ब्रेकफास्ट करने। मैं पहले ही करके आ गई थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, तो मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई थी। वो सो रहे थे तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ अपने रूम से व्यू। मैं व्यू की बात करूँ तो ये दिख रहा है बुर्ज अल अरब हमारी रूम की विंडो से, और इधर आप ध्यान से देखोगे तो ये दिख रहा है अटलांटिस होटल। तो ये हमारे रूम से ये है व्यू। सुबह उठते ही हमने देखा, और रात में तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था। ये पूरा दुबई का स्काईलाइन है, मतलब ये दूसरा स्काईलाइन है जो पहले हुआ करता था, अब तो बुर्ज अल अरब, अरे बुर्ज अल खलीफा वाला हो गया है। इतने सारे अल है ना कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, बुर्ज अल अरब है कि बुर्ज अल खलीफा है। तो ये बुर्ज अल अरब तो हमारे घर के पास, तो हमारे होटल के पास में बुर्ज अल अरब है। प्रॉमिस्ड, मैं ले आया हूँ सौम्या के लिए प्राडा। सौम्या देख भाई, मैंने तुझे प्रॉमिस किया था मैं ले आया। मुझे सरप्राइज वो होना है क्या? सरप्राइज क्यों होना है, तुझे पता है क्योंकि हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं ले आऊंगा। मुझे ये भरोसा नहीं था कि तुम ले आओगे, बट सोनू ने तुम्हारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। उसने मुझे पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? कि मामा ने पता है आपके लिए ये लिया है। ओ यही कलर चाहिए इतना, पहले मुझे ये बताओ भाई कलर सही है ना? हाँ, लगा के दिखा भाई जरा। अब इतने सालों से बोल रही हूँ, सालों से मतलब इतने महीनों से बोल रही हूँ, तो तुम्हें अब कलर भी नहीं याद रहे तो यार बेकार है। नहीं, इसमें दो तीन दिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, दिखा जरा, लग तो सही रहा है भाई। अब लगना भी चाहिए, इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अगर सही नहीं लगे तो फिर नहीं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ना, जैसे मेरे ऊपर ऐसे वाले पता नहीं अच्छे लगते हैं, लगते उस हिसाब से अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा फेस वो है ना, ओवल है ना। चलो थैंक यू का वेलकम, तुम्हें कैमरे के पीछे मिल जाएगा। अच्छा ओके, थैंक यू गिफ्ट, तुम्हें चलो कैमरे के पीछे मिल जाएगा। फिर ये तो अब यूज करोगे ना तुम इस ट्रिप में? ऑब्वियसली। ओके, उसके पुराना वाला नहीं लगाओगी? रे बहना। बट दिस इज लाइक माय वेरी फर्स्ट हाई एंड, मतलब सनग्लासेस बोल दो या सनग्लासेस या हाँ। तो भाई इतना महंगा तो मैंने आज तक नहीं पहना, मैं तो सोच भी नहीं सकता, वो तो तुम्हारे लिए लेना था इसलिए। मतलब ये मेरा पहला है, पहला मेरा रेबन था और दूसरा मेरा ये, मतलब तो मुझे था कि बस अब। हाँ, बट अब फुल स्टॉप, अब नहीं चाहिए कब। कुछ दिन पहनो, इसके बाद अगले के लिए बात करना। एंड दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे। मैंने पहनी हुई है ये, एक टॉप पहना है बॉडी सूट, और मैंने ये स्कर्ट पहनी है, दे बोथ आर फ्रॉम H&M। और ये ना यहाँ से साइड स्लिट है, मैंने अंदर इसमें ये साइकिलिंग शॉर्ट्स पहन लिए, क्योंकि जब कैमल राइड करेंगे ना तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, तो इसलिए मैंने ये अंदर ये शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं। तो अगर आपको दिखेगा ना काला काला सा क्या है, तो वो ये साइकिलिंग शॉर्ट्स हो रखे हैं। चलो फिलहाल चलते हैं कृतेश जी के पास, क्योंकि एक बार उनका मैसेज आ चुका है। और यहाँ पर अगर आपने सिम नहीं ले रखा है ना, इंटरनेशनल वाले या इंटरनेशनल रोमिंग नहीं ले रखी है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं है, व्हाट्सएप कॉलिंग बैन है, तो ये चीज याद रखिए। मेरी नजर ना कल से इस पे, ये कितना सही है भाई। हाँ तो नजर ही हो सकती है भाई, अंबानी थोड़ी हो रखे। हाँ मतलब शेख, कॉफी पीने चलना है? चलो यार चलते, थोड़ा दूर है लेकिन तो पैदल चलना पड़ेगा, मतलब 100 meters, 200 meters। बट अच्छी मस्त कोई फ्रैपचीनो मोका कुछ पीते हैं। कब तक आ रही हमारी कैब आएगी, क्या आएगी, मतलब पिक करने कब तक आएंगे? 1 बजे। हाँ तो ठीक है, चलो चलते हैं, कॉफी पीते हैं। प्राडा लगाने से धूप नहीं लगती होगी ना शरीर में? दिमाग में धूप नहीं लगती है, बाकी तो जहाँ लगती है लगी है। भाई गरीब आदमी ने आधी किडनी का ना 1/4 बेच के तुम्हारे लिए प्राडा लाया है। अगर गरीब आदमी को किडनी बेचनी पड़ती ना, तो गरीब आदमी का दूसरा गरीब आदमी मंगाता ही। चलो चलते हैं, कॉफी पीते हैं। इतनी गर्मी के बाद में पूरे मेल्ट होते होते हम आ गए हैं यहाँ पर स्टारबक्स पे खाने के लिए। मेरा खाने की हिम्मत नहीं, गर्मी है। मुझे तो बोला कि ये भाई भूख, मैं तो खाऊँ, देखते हैं चलो क्या ऑर्डर। तुम खाओगे थोड़ा, मैं भी बात कर मारी। नहीं मैं नहीं लूँगी, ये हमेशा होता है पता है, मुझे नहीं खाना, मैं ले लूँगी फिर उसमें खाना।
तो हमारा ऑर्डर आ गया है, ये मंगाया मैंने है, बट अभी देखना ये सबसे ज़्यादा खाएगा कौन। ये मेरी कॉफ़ी है बस। इसे कॉफ़ी नहीं आते, जहर कहते हैं ये। आराम से और ये मेरी है। मेरे पेरिस वाले ब्लॉग में ना मैंने बताया कि पेरिस इतना रंगीन है कि इवन वहाँ का स्टारबक्स भी रंगीन हो रखा है। यहाँ देखो डेजर्टियस लग रहा है भाई। अभी मैं उसकी फ़ोटो डाल दूंगा यहाँ पे, तो कंपेयर करके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और या तो पुराना ब्लॉग देखोगे कल या परसों का, तो भी समझ में आ जाएगा कि मैं मतलब बेसिकली यू विल गेट द रेफरेंस। तो कैब आ गई है हमारी। चलो भाई ये पर्पल कार देख के तो मज़ा ही आ गया। अरे ले यार मैं तेरे चक्कर में ले कूद गया। तो हमारी कार आ गई है डेजर्ट सफारी के लिए। भाई क्या कार है, मस्त। वी आर ऑल सेट। तो आज पूरा लाइक अराउंड अभी 12:00 है, 12 PM, तो आज पूरा दिन तो ऐसे ही जाने वाला है। और ये डेजर्ट सफारी में इवनिंग में देखते हैं क्या करना है। बहुत अच्छे टाइम है, विंटर है भाई, 29-30 डिग्री टेम्परेचर है। और अगर आप बैंगलोर से आ रहे हो ना, तब तो बिल्कुल ही मत आओ, तब तो आपको और भी लगेगा। और कुछ लोग यूरोप से आए हैं, उनकी तो और भी बुरी हालत है। मुझे ज्यादा लग रहा है भाई, आंखों में यार, विदाउट गॉगल नॉट गोइंग टू हैपन। आई नो, आई एम सॉरी। उधर दिखाओ तो सही है, तो बहुत सही है। तो अभी हमारे पास टाइम है, तब तक यहाँ पर एक क्वाड बाइकिंग हो रही है। 20 मिनट्स के लिए होती है क्वाड बाइकिंग। आपको बुक करनी है तो आप पैकेज, मतलब क्वाड बाइकिंग वाला पैकेज भी बुक कर सकते हो, यहाँ पर आप टिकट भी ले सकते हो। आप सिंगल करना चाह रहे हो तो 150 AED लगता है, और एक बाइक पे दो लोग कर रहे हो तो 200 AED लगता है, और अलग अलग कर रहे हो तब तो 300 AED लगता है। तो फिर आप कन्वर्ट करते रहो। और कैफेटेरिया में आप जो कुछ खाना चाहो वो सब पैकेज में ना, खाना पीना नहीं, वो वहाँ जब हम कैंप में जाएंगे ना वो वाला है, तो वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे तो सब खरीद के खाना है। तो जब भी आप पैकेज बुक करो ना, तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लो, क्योंकि कई बार ये लोग पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो बुक करने से पहले। हमने तो यही किया था क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे थे, हमें काफ़ी हेल्प हुई। तो आप भी ना अच्छे से पहले पूरा रीड कर लो क्या 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 आपको करना है और क्या 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 मिल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया था, और अब हम लोग जा रहे हैं ड्यून बैशिंग करने के लिए, मतलब रेत में खेला होगा खेला। ऑल सेट, ये रख दो इधर, अच्छे से लॉक करके। पता लगा ये मुंह में आ रहा तुम्हें, धक धक। तो अभी क्या ये लोग क्या कर रहे हैं बताओ? मुझे पता है, मैंने तुम्हें बताया है, कैमरा ऑन करके स्टार्ट हुआ। तो अभी पूरी हवा निकाल रहे हैं टायर्स की, ताकि प्रेशर ना पड़े। राइट, नहीं तो ज्यादा अगर टायर लेके जाएंगे तो पलट जाएगी। दैट्स कॉल्ड फिजिक्स। ओके, नो टास्क की कौन सा लॉ होता है। अबाउट टू स्टार्ट, यहाँ से मैं ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी ये यहाँ पे हवा निकाल लें, इसके बाद 5 मिनट में विल हैव फन। फ्लाइट करती ना टेक ऑफ, उस टाइप से अचानक से फीलिंग आती है। Thank you.
करना मत। नहीं नहीं शूट तो नहीं कर रही हो। उड़ मत जाना सफारी करने के बाद हम आ गए हैं ये अटलांटा टूरिज्म कैंप है एक्चुअली, जहाँ पे अभी डांस शो और पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा तो कैमल राइड करना है तो चले जाइए। ये जो लाइन है ये लगी हुई है कैमल राइड के लिए, ये सब पूरा पैकेज में ही रहता है। ये पैकेज तुमने सही क्यों लिया था यार, अदरवाइज ऐसे अलग अलग करो ना। हालांकि हर जगह मिलता है ऐसा कुछ जैसे ना, तुमने कोई ज्ञान नहीं। हेलो ऑफकोर्स यू डिजर्व अ थैंक्स। तो भाई तुमको मैं घुमा रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं क्या मना कर रहा हूँ। आई एम तो सिंपली एंजॉइंग।